लखीसराय जिले के मैदनी चौकी थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में हथियार बंद छह नकाबपोश अपराधियों ने रिटायर्ड शिक्षक दिनेश चौधरी के घर भीषण डाका डाला। छह नकाबपोश बदमाशों ने बीती बुधवार की देर रात मकान के तीन कमरों में रखे अलमीरा और संदूक का ताला तोड़कर करीब 75,000 रुपए और 2,00,000 के गहने लूट लिए। घर के लोगों को हथियार का भय दिखाकर बदमाशों ने पहले दहशत फैलाकर बंधक बनाया, फिर घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक की माने तो बदमाशों ने लगभग एक घंटे तक 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लूटपाट की। मकान मालिक के विरोध करने पर उन्हें बंदूक के कूंदे से पीटा गया। बच्चों के रोने पर नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें भी पीटा। लूट के बाद सभी बदमाश मकान के पीछे वाले दरवाजे से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार की सुबह 4 बजे मेदनी चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड को मंगवाया और फिर एक्सपर्ट टेक्निकल टीम के द्वारा मामले की तहकीकात की। कुदाल से मारे, बेंट से मारे, कुंडा से भी, उसके पास जो सामान था, सामान कुंडा से मारे, उसने बोले बता चाबी कहाँ है, मारते जाते थे और उसने कहाँ क्या है बताओ, अब ये सब तोड़ ताड़ के चाबी लिया, खोला तो यहाँ क्या था, कहाँ, यहाँ इसमें था नगदी पैसा था, कितना नगदी था, 75,000 का नगदी था, कहाँ था नगदी, कितना, 75,000 नगदी था। अच्छा, इसके अलावा क्या चोरी हुई, इसके अलावा जेवर वगैरह चोरी हुआ, जेवर कितने चोरी हुआ, 15 भर जेवर है, 15 भर जेवर, सोना, सोना, चांदी भी था, चांदी 30 से 40 भर के है, 40 भर चांदी, 40 भर चांदी। आप कौन है, बहन है, बहन है आप, आपको भी मारा, थप्पड़ से, क्यों मार रहा था, सामान की जरूरत, हमने जवान करते इसलिए मारा। अच्छा, खाट पे सोए हुए थे, इस खाट पे, अच्छा, यहाँ आप सोए थे, आप पत्नी कहाँ सोई थी, पत्नी यहाँ, बच्चा इधर, अच्छा, पत्नी बच्चा यहाँ सोई, उसके बाद क्या हुआ, आने के बाद मेरा